Hey guys, welcome back to my channel, Technical BHANUJI में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज का वीडियो होने वाला आप सभी लोगों के लिए खास, क्योंकि WhatsApp ने एक अपडेट की है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप सीखना चाहते हो कि PC में WhatsApp कैसे चलाएं या फिर PC में WhatsApp को कैसे स्कैन करें, दोस्तों एक और चीज़, आज WhatsApp ने कुछ अपडेट की है WhatsApp स्कैन में। अगर आप लोग अभी अभी मोबाइल ओपन किए होगे और अपने WhatsApp को स्कैन कर रहे होगे कंप्यूटर में, तो आप देख रहे होगे वहाँ पे एक ऑप्शन जो आता था वो अब नहीं आ रहा है WhatsApp स्कैन का। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कैन का ऑप्शन अभी आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। चलिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ करना है क्या है फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, गूगल पर आपको सर्च करना है WhatsApp वेव। दोस्तों मैं आपको इसके नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके पहुँच सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पेज ओपन होगा जिसमें आपको बार कोड मिलेगा यानी QR कोड। आपको इसको अपने मोबाइल के WhatsApp के मोबाइल से स्कैन कर लेना है। अब स्कैन कैसे करना है वो मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन खोल लेता हूँ, जहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अपने QR कोड को स्कैन करना है ताकि आपका PC पे WhatsApp चल पाए। तो दोस्तों उसके लिए हम अपने WhatsApp को यहाँ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है, ऊपर पे टॉप से नीचे सेटिंग में जाने का दोस्तों आपको यहाँ पे बिजनेस टूल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने का दोस्तों आप यहाँ पे बिजनेस टूल पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, तो नीचे आपको मिलेगा शॉर्ट लिंक, शॉर्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाता है व्यू QR कोड, इस पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले जो QR कोड मिल रहा है इसको आप स्कैन करके आप दूसरे मोबाइल पे भी WhatsApp चला सकते हैं। और यहाँ पे आप साइड में क्लिक करोगे तो QR कोड स्कैन का ऑप्शन आ जाता है, इसको आप अपने PC के WhatsApp से स्कैन कर लीजिए। उसका दोस्तों आपका WhatsApp जो है मोबाइल का PC पे चलने लगेगा। तो गाइस देखा आपने कितने आसानी से हम लोग ने WhatsApp को स्कैन कर लिया। तो यही थी प्रोसेस अभी के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और टेक्निकल ज्ञान चाहते हैं, बहुत सारा कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़